गुड मॉर्निंग गाय तो आप करेंगे एल्सीय और एच के क्वेश्चंस को ट्रिक से सो so गायस जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए ठीक है जैसे इसमें दे रखा है इफ़ द एल्सीम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर आर फिफ्टी एंड नाइन्टी एंड वन नंबर इज़ फाइव सो फाइंड सेकेंड नंबर तो यहाँ पे अब आपने क्या फार्मूला लगाना है एल्सीय इन टू एच सी एफ एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो देखिए एल्सीय कितना दे रखा है यहाँ पे फिफ्टी ठीक है एच सी एफ कितना दे रखा है यहाँ पे नाइन्टी और टू नंबर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो में से आपको कौन सा दे रखा है सिर्फ एक नंबर क्या दे रखा है फाइव तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे फाइव से सो फाइव टेन द फिफ्टी और नाइन्टी को जब टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा नाइन हंड्रेड ठीक है वैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ आपने याद रखना यही फॉर्मूला एल्सीय को एच से क्या करना है मल्टीप्लाई और इसको इक्वल कर देना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ठीक है लेकिन जहाँ पे देखिए आपके पास टू नंबर्स दे रखे हैं आपके पास एल्सीयम भी दे रखा है लेकिन क्या निकालना है एच तो आप सिंपल क्या करेंगे एच तो है ही हमारे पास देखिए जब एच निकालना है तो हम क्या करेंगे एलसीयम को ले जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के नीचे मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय एलसीयम तो टू नंबर्स कौन से हमारे पास सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव एंड हमारे पास एल्सीम कितना दे रखा है सेवनटी फाइव सेवनटी फाइव से सेवनटी फाइव क्या हो गया कट और आंसर आ गया ट्वेंटी फाइव ठीक है अब जैसे हमने यहाँ पे एच निकालना अब हमने क्या है एलसीएम फार्मूला विल बी द सेम सिर्फ क्या रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो रहेंगे लेकिन अब नीचे एलसीएम की जगह क्या आ जाएगा एच तो यहाँ पे हमारे पास टू नंबर्स क्या है नाइन्टी इंटू एटी एंड एच सी एफ़ क्या रहा हमारे पास टेन ज़ीरो से ज़ीरो नाइन एट था सेवनटी टू तो ये रहा हमारे पास एलसीएम सो so गाइज अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं ठीक है थीके? अगर आपको एक नंबर निकालना है तो क्या करेंगे एल सी एम इंटू एच सी एफ एंड डिवाइडेड बाई दैट द वन नंबर सो यू विल गेट सेकेंड नंबर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एच सी एफ़ सो देन यू विल पुट दिस फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड डिवाइडेड बाई एल सी एम एंड इफ़ यू फाइंड आउट द lcm ticket okay? you see in this question we have find out the hcf in this question we will find out the lcm so then at place of lcm we will put the value of hcf so then you will get the lcm i hope guys that you like my video if you like my video my these tricks so please like subscribe and share my channel thank you